अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने से 3 रोज में 30 अरब रुपए का नुकसान। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब 3रे रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सके। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में 50% से ज्यादा कमी। कारोबारी अफराद को अदायगियों में मुश्किलात। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र भेजना भी मुश्किल हो गया। बैन अल-अक़वामी कार्ड से अदायगियाँ 66 करोड़ रोजाना से कम होकर 33 करोड़ रुपए रहते। अमरीका ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी अकदार असूलों की पासदारी और कानून का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा विदेन पटेल ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क में हमारा कोई पसंदीदा उम्मीदवार या जमात नहीं। मजबूत जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। पाकिस्तान के साथ मजबूत मुआशी ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किया गया कौमी सरबती कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरतेहाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान को जमानत मिली तो दूसरे केस में गिरफ्तार करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही गिरफ्तारी कानून के मुताबिक करार दे चुका है। इमरान खान और मुसर अचीवा की ऑडियो से जाहिर है कि इस वक्त वो कस्टडी में थे। इमरान खान ने एहलकारों में से किसी का फोन इस्तेमाल किया होगा। इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का तरीकाकार गैर कानूनी करार। चेयरमैन पीटीए पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि इमरान खान को गेस्ट हाउस में 10 मेहमानों से मुलाकात की इजाज़त होगी। वारंट गिरफ्तारी पर अमल के तरीक़ाकार से इंसाफ तक रसाई का हक पामाल हुआ। पेटिस्टर के बुनियादी आईनी हकूक और आयन की खिलाफ वर्जी की गई। रजिस्ट्रार बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासी इदारों पर हमलों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की भी मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मुशावरत भी की गई। पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान के साथ पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में तवील मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों में मुज़ाकरात पर जोर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि मुखालफीन से मुज़ाकरात करें। उम्मीद करता हूं कि दूसरा फरीक भी बेहतर रवैया दिखाएगा। अमन बहाल होगा तो आईनी मशीनरी काम कर सकेगी। बराए मेहरबानी अपना रोल अदा करें और तआवुन करें। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि खान साहब सियासी माहौल सियासतदानों ने पैदा करना है। आप एक लीडर हैं, आप लीड करें। इमरान खान की पीटीआई कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। कहा कि मुल्क में जो कुछ हुआ माजरत चाहता हूं। मुझे तो इल्म ही नहीं था, हुआ क्या, मालूम होता तो रोकता। मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कारकुन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक ना हो, ना अमलाक का नुकसान करें। पीटीआई मुल्क में इंतशार नहीं सिर्फ इलेक्शन चाहती है। इंतशार वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को रिलीफ देने का तासुर दहशतगर्द की पुष्ट पनाही है। इमरान खान ने कौम के 60 अरब रुपए चोरी किए। नैब ने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया। उसे नैब में जवाब देने दें। आप क्यों बुला रहे हैं? अदालतें मुजरमों की पनाहगाहें बनेंगी तो फिर अदालतों से ही गिरफ्तार होंगे। जिना हाउस को जलाया गया, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो स्टेशन जलाए गए। इमरान खान को 25 मई को सजा मिल जाती तो मुल्क आज जल न रहा होगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि शरपसंदों ने जैसे सरकारी और फौजी इमारतों को नुकसान पहुँचाया वो काबिले मजम्मत है। इमरान खान को जदगोप करने से पैदा होने वाली मुल्क की सूरत हाल पर परेशान हूँ। इंसानी जानों का ज़िया दिल दहला देने वाला बाइस तशवीश, अफसोसनाक और इंतहाई काबिले मजम्मत है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, लेकिन उसे हमेशा कानून के दायरे में रहना चाहिए। जबर और गिरफ्तारियों के बजाय सियासी हल तलाश करना चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 60 अरब रुपए हड़प करने वाले वारदातिए को रिहा किया गया। मुल्क की अहम तनसीबात पर हमला कराने वालों को रिहा करके मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़का गया। इमरान खान ने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया। मैंने कहा कि मुझे वारंट दिखाएं, गिरफ्तारी दूंगा। मुझे डंडे मारे गए, ऐसा तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता। मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा कसूर क्या है। गिरफ्तारी के बाद मुझे कुछ इल्म नहीं क्या हुआ। अभी तक मुझे नहीं पता कि हुआ क्या। कभी पुलिस लाइंस तो कभी कहीं और लेकर फिरते रहे। मुझ पर दहशतगर्दी से 100 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए।
मुंतखब अवामी नुमाइंदों को तजहीक से गिरफ्तार किया गया। यह तरीका कार बंद करना होगा। वक्त आ गया है कि नैब का यह तासुर खत्म हो। जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा कि बताएं हाई कोर्ट के कमरों के शीशे क्यों टूटे। कानून के मुताबिक जो नोटिसेस मौतद बार जारी करने थे वो नहीं किए। सियासी मामलात अदालतों में ना लाएं। सियासी क्यादत से अदालती पेशी पर अच्छे अमल की तवक्को है। लीडरशिप को अपने फॉलोअर्स को रोकना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने वो कर दिखाया जो हमारा दुश्मन नहीं कर सकता। जीएसके और कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ की गई। इमरान खान ने अदालत में इन वाकयात की मजम्मत से इनकार किया। दो दिनों से जो किया गया वो मुल्क से गद्दारी है। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था। क्या अदालत के अहाते से पहले कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कौम अदालत के इस फैसले को अदल करार नहीं दे सकती। अदालत की ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दुद मुजाहरों की मजम्मत करें। चीफ जस्टिस का इमरान खान से मुकालमा, कहा कि हम मुल्क में हम चाहते हैं। हर सियासतदान की जिम्मेदारी है कि अमन अमान यकीनी बनाए। चाहते हैं कि आप कानून पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएं। सरकारी और निजी अमला को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप अपने सपोर्टर्स को कहें कि वो पुरअमन रहें। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि इतने बड़े लीडर्स को मारने के बाद भी हालात कंट्रोल में रहे। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF स्टाफ लेवल माहदे के लिए मजीद वक्त चाहता है तो ले। पाकिस्तान से मुतालिक नाइंसाफी पर मबनी आर्मी सियासत खत्म होनी चाहिए। मई और जून में 3.7 अरब डॉलर की अदायगियाँ बर वक्त करेंगे। दोस्त ममालिक के फाइनेंसिंग के वादे जल्द पूरे होंगे। डिफॉल्ट से मुतालिक अफवाहें ना फैलाई जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाक फौज का फ्लैग मार्च। इस्लामाबाद में शाहरा दस्तूर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में फौज के दस्तों का गश्त। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाना है। पिशावर और मुल्तान में भी पाक फौज का सिक्योरिटी इदारों के हमरा फ्लैग मार्च। लाहौर में लिबर्टी चौक पर फौज तैनात कर दी गई। ईरान भी जल्द सऊदी अरब में अपना सफीर तैनात करेगा। वजीर खजाना एहसान खानदोजी की क्यादत में ईरानी वफद का दौरा सऊदी अरब। चीन की सालसी में सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरानी अहदेदार का ये पहला दौरा है। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं होगा। भारतीय टीम को अपनी हुकूमत से इजाजत ना मिली तो वो पाकिस्तान नहीं आएगी। तहफुजात दूर करने के लिए नया मॉडल तजवीज किया है। नए मॉडल के तहत पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। फाइनल समेत बकिया मैचेस किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने ईरान में अपना सफीर तैनात कर दिया। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि ईरान में सऊदी अरब का सिफारत खाना आइंदा चंद रोज में खुल जाएगा। अब तक के इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Habba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982.
سرمایه کارانه بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولای شي. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولای شي او غوره نتیجه حاصلولی شي. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایو متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونو او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره په دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زمون پروگرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروگرامینګ پروجیکټ مینجمنت او نور ګرچ مل کورسونه شامل دي. زمون مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زمون ویب سایټ AMEDFS.com یا کال TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए बैनुल अक्वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी सियासी तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.